हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके भी व्हाट्सएप में एचडी का ऑप्शन नहीं मिला या मिला भी है तो वो वर्क नहीं करता है, तो आज के इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्व बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हम अपने व्हाट्सएप में आते हैं, यहाँ पे आने के बाद किसी भी यूजर पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद कोई भी फोटो या वीडियो को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक फोटो को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करते ही यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर एचडी का ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन आ जाता है। अगर आप इस फोटो को लो क्वालिटी में भेजना चाहे तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, अगर आप एचडी में भेजना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। लेकिन होता क्या है कि अभी के टाइम में बहुत सारे यूजर में ये एचडी का ऑप्शन वर्क ही नहीं करता है। जैसे यहाँ पे हम दूसरे वाले फोटो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे एचडी का तो ऑप्शन रहता है, लेकिन जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यहाँ पे कैन नॉट सेट टू एचडी का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। वैसे ये प्रॉब्लम क्यों आता है उसका भी यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे देता है, दिस मीडिया इज नॉट एचडी, मतलब कि आप जो फोटो या वीडियो को सिलेक्ट किए हैं वो है जो एचडी में नहीं है। लेकिन कभी कभी आपका फोटो या वीडियो भी एचडी में रहता है लेकिन यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। पर इस तरह का ऑप्शन आपको तब आता है जब आप अपने व्हाट्सएप में कुछ गलती करते हैं। लेकिन आज किस वीडियो में जो अभी हम सेटिंग बताने वाले हैं और जो प्रोसेस करने वाले हैं, अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं तो आपके व्हाट्सएप में इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने व्हाट्सएप को पहले अप टू डेट देखते रहना है, क्योंकि कभी कभी न्यू अप टू डेट आता है उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर में आ जाने के बाद आपको व्हाट्सएप टाइप करना है और यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे आपको देख लेना है कि व्हाट्सएप का अप टू डेट आया है कि नहीं। और इतना यहाँ पे देखने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपको यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या करना है कि अपने व्हाट्सएप का जो एप्लीकेशन है इसे आपको 5 से 6 सेकंड टैप करके रखना है। और जैसे आप टैप करके रखेंगे ऊपर आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो इसी में आपको परमिशन का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करना है। क्लिक करते ही वैसे यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे म्यूजिक एंड ऑडियो और फोटो एंड वीडियो को इसको अलाउ करके रखना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही दो ऑप्शन मिल जाएगा, अलाउ और डोंट अलाउ। तो यहाँ पे आपको अलाउ को सिलेक्ट करके यहाँ से आपको बैक आ जाना है। और इतना यहाँ पे करने के बाद अब आपको इसी ऑप्शन के नीचे स्टोरेज एंड चेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लियर चेस करते रहना है हफ्ता में एक बार। और इतना यहाँ पे करने के बाद अब अपने व्हाट्सएप को रिफ्रेश कर देना है। और रिफ्रेश करने के बाद अब आपको मेन प्रोसेस क्या करना है कि अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद व्हाट्सएप के ऊपर 3 डॉट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ ऑप्शन मिलेगा, इसी में आपको सबसे नीचे हेल्प का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ऊपर आपको हेल्प सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सर्च बार का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो भी हम टाइप करेंगे वही आपको टाइप करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है एचडी ऑप्शन नॉट वर्किंग। जैसे आप टाइप करेंगे नीचे कुछ ऑप्शन आ जाएगा, इसी में आपको ऊपर अबाउट एचडी फोटो एंड वीडियो का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना। क्लिक करते ही कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाता है, अगर आप इसको रीड करना चाहे तो रीड कर सकते हैं। इतना यहाँ पे देख लेने के बाद अब आपको सबसे नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, यस और नो, तो सिंपल सा यहाँ पे आपको यस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इतना यहाँ पे कर लेने के बाद आपको नीचे यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऊपर कुछ आपको टाइप करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है एचडी ऑप्शन नॉट वर्किंग। और इतना टाइप कर लेने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ प्रोसेस लेगा, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, आपको सबसे नीचे सेंड माय क्वेश्चन टू व्हाट्सएप सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो व्हाट्सएप टीम के पास चला गया है, यहाँ पे ऊपर आपको मैसेज भी आ जाएगा। अब आपको कुछ आवर्स वेट करना है और जैसे आप वेट करेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पीआरपी टेक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।